हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भीम यादव आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीमो सेमिनरी पर वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग को रेगुलर मैथ्स का क्लास यूट्यूब के माध्यम से डेली ऐड किया जाता है, और मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द आप लोग के समक्ष हम लाइव क्लास लेने जा रहे हैं, और आप लोग को जो भी माइंड में डाउट होगा वह तुरंत क्लियर होगा, तुरंत सॉर्ट आउट होगा। तो हमने नंबर सिस्टम में सेकेंड चैप्टर को बताया और सिखाया पहला लेक्चर के माध्यम से। आज सेकेंड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर में जानेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और इसका कंसेप्ट भी बताएंगे आप लोगों को। और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीमो सेमिनरी पर, और अपने दोस्तों के पास यह संदेश भेजिए कि सर जल्द से जल्द क्लास लेने वाले हैं लाइव के माध्यम से, आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ताकि एक माहौल बन सके, एक हम बेटर क्वालिटी दे सकें। बहुत सारे बच्चे होंगे तो ऐसे आप लोग का समर्थन बहुत ही मिल रहा है, और बहुत ही आप लोग हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन से बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। हम आइए इसका कॉन्सेप्ट दे देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपका डाटा सेकेंड डिवाइजर फर्स्ट डिवाइजर को, सेकेंड डिवाइजर फर्स्ट डिवाइजर को विभाजित पूर्णतः कर देगी, पूर्णतः मतलब फुल कट जाना चाहिए, एकदम कहीं आपका डाटा शेष न रहे, यानी सेकेंड डिवाइजर फर्स्ट डिवाइजर को पूर्णतः विभाजित करती है, तो उस स्थिति में हम लोग शेष में ही, शेषफल में ही सेकेंड डिवाइजर को भाग देकर, यानी सेकेंड डिवाइजर को भाग देकर हम क्या रिमाइंडर निकालते हैं। कैसे, अब आप लोग का यह माध्यम समझ में नहीं आएगा तो हम आसानी से समझाते हैं कि डाटा आपका 121 जो है यह फर्स्ट डिवाइजर है, इतना से विभाजित किया जाए, और जो 11 है यह आप लोग का सेकेंड डिवाइजर है, तो 121 11 से पूर्णतः कट जाएगा। तो इस अवस्था में हम क्या करेंगे, शेषफल में ही, शेषफल में ही हम सेकेंड डिवाइजर को, सेकेंड डिवाइजर को भाग देकर शेषफल निकालेंगे, वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, डाटा 121 से 11 से तो कट गया, तो हम आप लोग जो कंसेप्ट दिए क्या है कि जो शेषफल डाटा होगा यानी 25 जो है उसी में हम सेकेंड डिवाइजर 11 से भाग देकर और रिमाइंडर शेषफल निकालेंगे, तो 11 दूना 22, यानी 22 तक आपका डाटा कट जा रहा है तो बचेगा कितना है, 3 बचेगा, तो यह आप लोग का 3 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसी टाइप से क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा हल्का सा अंतर स्पष्ट करना है और देखना भी है। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 एवं 28 प्राप्त होता है, शेषफल 21 और 28 प्राप्त होता है, यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। हमने जब डाटा में आप लोग को सिखाएं, बेसिक कंसेप्ट बताएं, तो वहाँ आप लोग बताए थे कि डाटा जब भी आप लोग का जो यह डाटा है अगर इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी सेकेंड डिवाइजर फर्स्ट डिवाइजर को पूर्णतः विभाजित कर देगा, तो उस स्थिति में हम लोग शेषफल में ही भाग देकर और शेष निकालते हैं। लेकिन यहाँ शेष दो है, यानी अलग अलग डाटा है, तो जब क्या करेंगे, दोनों डाटा को आपस में जोड़ लेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 21 प्लस
28 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 49, क्लियर। अब 49 आएगा, अब आपको सेकंड डिवाइजर का प्रयोग करना है और भाग देकर शेषफल निकालना है। तो 33 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और यहाँ से आप लोग का आर यानी रिमाइंडर निकालना है यानी शेषफल निकालना है। तो 33 एकम 33, एक मरतब जाएगा तो 33 तक नहीं जाएगा, तो बच रहा है कितना 16 बच रहा है। तो 16 आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग को यह जो डाटा हम बताएं जो लिखे हैं सभी लोग को पहले से पता है, लेकिन इस पर प्रश्न आते हैं और पूछता है एग्ज़ाम में, तो हमने इसको थ्योरी जब बता रहे हैं तो सोचे कि बेसिक जितना है उसको बता दें, अपना फर्ज अदा कर दें, बाकी सभी स्टूडेंट तो जानते ही हैं, लेकिन एक रिदम में रहता है तो डाटा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। तो हम जानते हैं कि इस डाटा को भाज बोला जाता है, इसको भाजक, भागफल और शेषफल, यानी जब हम ऐसा डाटा करते हैं तो यह भागफल हो जाएगा, यह भाज हो जाएगा, यह भाजक हो जाएगा, यह शेषफल हो जाएगा। यही डाटा आपको फॉर्मेट में लिखा गया है। डिवाइजर मतलब भाजक, डिवाइडेंड मतलब भाज्य, क्वाटेंट मतलब भागफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल। हमने इस डाटा को इसलिए लिखा ताकि बहुत सारे लड़कों को माइंड में यह रहता है कि सर भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यह बहुत मतलब कि एक लंबा प्रोसेस होता है कहीं लिखने में। तो हमने अपने से सोचा कि क्यों ना इसको छोटा किया जाए। तो छोटा कैसे होगा, देखिए भाज बराबर पूछा तो हम क्या लिखे, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज को देखेंगे कौन सा डाटा हम प्रस्तुत किए हैं इंग्लिश के माध्यम से, तो डी और डी लास्ट में है, शुरू में डी और लास्ट में डी, यानी डिवाइडेंड है। तो इसको हम पढ़ेंगे डी डी, क्या पढ़ेंगे भाज को डी डी पढ़ेंगे, उसके बाद भाजक की जगह केवल लिखेंगे डी, डिवाइडेंड डी मल्टीपल गुणे भागफल को क्या लिखेंगे क्वाटेंट यानी क्यू, और शेषफल को यानी प्लस, शेषफल मतलब आर। यह हमने एक फॉर्मेट इस डाटा से लिया ताकि इससे आसान हो जाए और जल्द माइंड में आप लोग को समझने में आसानी होगा। तो डी डी बराबर डी गुने क्यू प्लस आर, यह माइंड में रखना है और इस पर आसानी से क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन पर चलिए देखते हैं, आप लोग को हम क्वेश्चन बताए थे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, उसी पर हमने क्वेश्चन कुछ कराएंगे और सिखाएंगे ताकि वह डाटा आप लोग को क्लियर हो जाए। देखिए दिया क्या है, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो, यह डाटा आपका प्रश्न पूछा है। हम भाज्य बराबर जानते हैं भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है ना, यही ना डाटा आपका है। सबसे पहली बात हम डाटा को देखेंगे कि मेरा डाटा क्या है, 1265 में किस संख्या से भाग दे, भाग दे मतलब भाजक पूछ रहा है, तो भाजक यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 1265 एक बड़ा अमाउंट है या भाज का काम कर रहे हैं तो 1265 हो जाएगा ना, चलिए क्लियर। गुणे भागफल 84 आपका दिया है, शेषफल 5 प्राप्त हो जाए। केवल सेंटेंस को डाटा को सेटिंग करना है, बाद बाकी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यह डाटा प्लस दे दे रहा है तो माइनस में, तो 1200 या 60 हो जाएगा क्योंकि प्लस इधर है तो माइनस है तो 60 हो जाएगा, गुना है तो भाग में जाएगा 84 बराबर एक्स, तो एक्स यानी काटोगे आप लोग तो 15 मरतबे यह मान कटता है, उसके बाद आपका डाटा आ जाएगा एक्स का मान 15, यानी भाजक जो हो जाएगा 15 हो जाएगा, यह आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग का दिया कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना,
शेष का दोगुना है। अगर शेषफल 30 हो तो भाज ज्ञात करें। सबसे पहली बात, भाजक को हम क्या लिखते हैं, डी। तो बोला भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, तो शेष का 2 गुना मतलब आर गुने 2 हो जाएगा। एक यहाँ से फॉर्मेट हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा। डी बराबर भागफल का 5 गुना मतलब क्वाटियंट का 5 गुना लिख देंगे, क्लियर। लेकिन परंतु आप लोग का शेष 30 दिया है, तो यहाँ से हम रिमाइंडर जो दिया है आर 30 यहाँ रख सकते हैं, तो डी का मान हो जाएगा 30 गुने 2 यानी हो जाएगा 60। अब यहाँ से क्वेटियन का मान निकालना चाहें तो आसानी से निकल पाएगा। डी का मान आप रख दीजिए यहाँ 60 हो जाएगा बराबर। क्वेटियन का मान तो आपका 100 का चेक क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। या 5 का 5 तो क्या हो जाएगा 12 25 60, यानी क्यू का मान हो जाएगा 12। और शेष का मान आपको 30 पता है, तो क्या मेरा डी डी निकलेगा कि नहीं। डी डी मतलब डिवाइडेंड मतलब भाज, डी गुने क्यू प्लस आर। डी डी का मान आपको निकालना है तो देख लीजिए आप लोग का डी का मान कितना है 60, क्यू का मान 12 और आर का मान 30 है, क्लियर। देखिए सबसे पहली बात गुना कीजिए, 12 6 72 यानी 720 प्लस 30 कितना हो जाएगा 750, यह आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगर प्रश्न आपका इस तरह से हो, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना तथा शेष का 6 गुना है, तदनुसार शेष अगर 2 हो तो उसमें भाज कितना होगा। डी डी का मान आप लोग का पूछ रहा है, क्लियर। हम जान रहे हैं कि डी यानी विभाजक यानी भाजक बोला भागफल का 3 गुना है, कोटियन का 3 गुना है, तदनुसार शेष का 2 गुना, सॉरी एक मिनट, विभागफल का 3 गुना तथा शेष का 6 गुना बोला, तो शेष का 6 गुना मतलब आर का 6 गुना बोला, क्लियर। तदनुसार शेष 2 हो यानी आर का मान 2 दिया जाए तो डी का मान तो निकल ही जाएगा, तो डी का मान हो जाएगा 12। चलिए यहाँ से अगर डी का मान हम रखते हैं 12 तो यहाँ से क्यू का भी मान निकल जाएगा, 3 6 12 यानी क्यू का मान 4 हो जाएगा, क्लियर। अब क्या पूछा डी डी, तो डी डी बराबर क्या जानते हैं, डी गुने क्यू प्लस आर, ये आप लोग का फॉर्मेट है। तो डी का मान क्या दिया है देखिए तो 12, क्यू का मतलब 4 और आर का मतलब देख लीजिए शेष 2 दिया है तो 2 लिख देंगे, हो जाएगा 12 6 48 और 2 50, यह आप लोग का आंसर हो जाएगा। एक बेहद इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग को बताने जा रहे हैं और उस डाटा को आप लोग को देखना है और सीखना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपका 2 भाजक दिया जाए यानी 2 डिवाइजर दिया जाए और 2 शेषफल दिया जाए और उसके बाद बोला जाए एक तीसरा डिवाइजर देकर एक तीसरा भाजक देकर बोला जाए कि शेषफल क्या होगा, शेषफल का मान ज्ञात करें, तो वह कैसे निकला जाता है। तो आइए हम कंसेप्ट और ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं और उसको दिखाते हैं। देखिए जब भी आपका 2 भाजक दिया जाए तो ऐसे D1 और D2 लिख देना है, फिर उसके बाद अगर 2 शेषफल दिया जाए तो यहाँ R1 और यहाँ R2 लिख देना है, क्लियर। और पूछा जाए तीसरा डिवाइजर देकर कि शेषफल बाबू ज्ञात करो, कंपटीशन में ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहली बात हम लोग टोटल वैल्यू निकालना पड़ता है, तो टोटल वैल्यू कैसे निकलता है, इन दोनों डाटा को आपस में जोड़ लेना है, D2 और R2 को आपस में जुड़ जाएगा। अब जितना जोर कर मान आएगा इसमें गुना कर देना है, इस डाटा को आपस में जोड़ेंगे, उसके बाद जितना डाटा आएगा इसमें गुना कर देंगे। गुना करने के बाद फिर आप लोग का जितना मान आएगा फिर यह जो R1 है इसमें प्लस कर देना है, तो यहाँ से आ जाता है
टोटल वैल्यू। जब टोटल वैल्यू आ जाएगा तो जो डी थ्री की बात किया जाएगा, डिवाइजर थ्री की बात किया जाएगा सेसफो निकालने के लिए, उसको यहाँ लिखते हैं और यहाँ से रिमाइंडर ज्ञात करते हैं, यह आप लोग का आंसर हो जाता है। चलिए जो आप लोगों को कंसेप्ट हम बताएं, ट्रिक जो बताएं, उसका यहाँ यूज करना है। उसी चलिए उसी टाइप से जो कंसेप्ट आप लोग बताएं, उसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन सेट किए और आप लोग के सामने हमने प्रस्तुत किया। किसी संख्या में लगातार क्रमशः 9 एवं 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्रमशः 4 एवं 3 बचता है। उसी संख्या को 45 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो हमने बताया था कि जो D1 होगा, D2 होगा, यहाँ लिखना है। तो D1 कितना है? 9 और D2 5। क्लियर? शेष यानी जो शेषफल है, क्रमशः में डाटा दिया है, 2 डाटा दिया है, तो R1 R2 लिखते थे, यानी हो जाएगा 4 और 3। जब D3 दिया जाए आपको रिमाइंडर निकालने के लिए, शेषफल निकालने के लिए, तो सबसे पहली बात कि आप लोग का टोटल वैल्यू निकालना पड़ता है, तब जाकर हम D3 से विभाजित करते हैं तब रिमाइंडर निकलता है। आइए हम टोटल वैल्यू निकालते हैं और कैसे निकालते हैं देखिए। इन दोनों डाटा को आपस में क्या करना है? जोड़ लेना है। तब 5 और 3 8। अब यह डाटा इधर जाकर गुना हो जाता है, तो 8 9 72। और फिर इन दोनों डाटा को आपस में जोड़ लेते हैं, तब 5 3 8 8 9 72 72 4 76। यह जो डाटा आया आपका 76, यह टोटल वैल्यू आया। अब क्या करते हैं, 76 में D3 से विभाजित करते हैं, मतलब 45 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आसानी से निकल जाएगा। तो 45 से भाग कीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। तब 45 2 90 जाएगा नहीं, यानी आपका 45 से कम 45, यानी एक ही मर्तबे जाएगा। तो क्या करेंगे कि शेषफल आपका निकालने का तरीका एक मर्तबे जाएगा, तो 76 में से 45 घटा देंगे, बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी जो 31 डाटा हुआ आप लोग का, यह आप लोग का रिमाइंडर हो जाएगा, यह आप लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए जब आप लोग का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम हॉल में या कभी आप सीट देते हैं, तो ऐसे डाटा को हम लोग कैसे बनाते हैं उसको आज सिखाते हैं। यह जो क्वेश्चन है आप लोग का बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आसानी से कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 एवं 4 आते हैं। यानी आपको यहाँ D1 और D2 का मान भी दिया है और R1 और R2 का मान दिया है। तो हमने पहचाना कि D1 का मान 4 है और D2 का मान 5 है। क्लियर? R1 का मान 1 है और R2 का मान 4 है। चलिए यहाँ तक क्लियर। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचता है? वहाँ डाटा था 1 के मतलब जगह कलेक्ट किया हुआ, यानी 45 था, 3 था, 11 था, जो भी था, जो भी डाटा ऐसे दिया जाए तो आसानी से बन जाता था। लेकिन जब क्रमिक रूप से बोलेगा भाग देने के लिए, उसमें थोड़ा कठिनाई हो जाता है, तो उसको हम देखते हैं और सीखते हैं। पहले इसको हम निकालने का जो तरीका बताए हैं आसानी से कर लेना है, 5 4 9। इसके बाद इन दोनों डाटा को गुणा कर देना है, 9 4 36। आइए डाटा जुट जाता है, 36 1 37। यह डाटा टोटल आप लोग का वैल्यू जो आया 37 आया। अब बोला क्रमिक रूप से भाग देना, तो पहले क्रमिक क्या है? 5 है, तो 5 से देंगे, तो 37 में 5 से भाग देंगे, 5 7 35, शेष कितना हो जाएगा? 2, यह हो जाएगा आपको शेष। लेकिन एक डाटा को भाग दी, एक डाटा से भाग दी तो आपका शेष 2 आया, लेकिन दूसरे डाटा से अगर भाग देना होगा तो भागफल में भाग देंगे न कि टोटल वैल्यू में भाग देंगे, यही सावधानी रखना पड़ेगा, आसानी से आप लोग का आंसर आ पाएगा। तो 7
में भाग कितना से देंगे, चार से, तो चार एकम चार और शेष हो जाएगा तीन। तो यह आप लोग का क्रमिक जो शेषफल आएगा यह दो और तीन हो जाएगा, तो यह दो एवं तीन शेष हो जाएगा। यह आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन दोस्तों तक पहुंच पाए जिनके लिए काफ़ी ज़रूरतमंद वीडियो हो जाए। और आप लोगों से एक ही मतलब कि मेरा संदेश रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और जल्द से जल्द आप लोगों को लाइव क्लास हम प्रोवाइड कराएंगे अपने YouTube चैनल के माध्यम से। और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आप लोगों का कैसा लगा, अपना सुझाव और सलाह दे सकते हैं। अगर वीडियो में कहीं भी त्रुटि नज़र आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दें या WhatsApp पर कमेंट करके या मैसेज करके बता सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।